हेलो बच्चों, मैं हूँ प्रियंका और स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई गिरी पे, जो कि आपको प्रोवाइड करवाता है क्लास 9 से 12 तक की ऑनलाइन क्लासेस। सो चलिए शुरू करते हैं पढ़ाई ऑन पढ़ाई गिरी। क्लास में हम बात करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। देखो, जो लास्ट लेक्चर लगाया था हमने इस चैप्टर का, सो लास्ट सेशन में हमने बात की थी बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया के बारे में क्या-क्या देखा था कि बैक्टीरिया की शेप के बेसिस पे कितने टाइप्स होते हैं और उसकी मॉर्टेलिटी के बेसिस पे कितनी टाइप्स होते हैं। तो उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। सो चलो शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। करें तो हम डायग्राम से देखते हैं। तो देखो, सपोज कि ये हमारे पास एक क्या प्रेजेंट है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है। अब बैक्टीरिया के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, इसकी सेल वॉल प्रेजेंट होगी, हमने बात की थी ना। तो देखो ये क्या प्रेजेंट हो गई बैक्टीरिया के ऊपर, उसकी सेल वॉल प्रेजेंट हो गई। हम साथ में लिखते जाएं तो ये हो गया, फर्स्ट हो गया बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। अब हम बात करें कि बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होगी। तो हम जो मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, सेल मेम्ब्रेन की अलग अलग थ्योरी, तो उसमें सबसे ज़्यादा होती है ना फेमस थ्योरी की, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होगी, लिपिड और प्रोटीन की। तो जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो किसकी बनी होगी, लिपो प्रोटीन की। लिपो प्रोटीन मीन्स लिपिड और प्रोटीन से मिलके बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होगी। सेकंड हम बात करें कि बैक्टीरिया में ये क्या प्रेजेंट है, सेकंड सेल वॉल प्रेजेंट है। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो किससे मिलके बनी होगी, पॉलीपेप्टाइड्स की, पॉलीपेप्टाइड। अब इन दो के बाद हम और बात करें कि बैक्टीरिया में इन दो कवरिंग के अलावा भी एक कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या कहेंगे, ग्लाइको कैलिक्स। ये इसकी थर्ड और सबसे आउटर लेयर है बैक्टीरिया की, जिसे हम क्या कहेंगे, ग्लाइको ग्लाइको कैलिक्स। अब देखो, बैक्टीरिया है वो सेफ्टी पर्पस के अकॉर्डिंग अपने ऊपर इस थर्ड ग्लाइको कैलिक्स की लेयर को भी रखता है। अगर बैक्टीरिया को बहुत ज़्यादा एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव करना है तो खुद को सेफ रखने के लिए बैक्टीरिया क्या करेगा, इसे ग्लाइको कैलिक्स लेयर का फॉर्मेशन करेगा। अब ये जो ग्लाइको कैलिक्स है इसकी हम बात करें, ग्लाइको कैलिक्स, सो ग्लाइको कैलिक्स है ये टू टाइप्स का हो सकता है। फर्स्ट तो हो सकता है कैप्सूल एंड सेकंड हो सकता है स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर। अगर बैक्टीरिया को काफ़ी जो एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव करना है तब तो ये अपने ऊपर ग्लाइको कैलिक्स में किसकी लेयर बना लेगा, कैप्सूल की। अगर काफ़ी टफ लेयर प्रेजेंट है बैक्टीरिया के ऊपर तब तो क्या है, कौन सी लेयर है उसमें, कैप्सूल है। एंड अगर उसके ऊपर बहुत ही एक ऐसे स्टिकी सी लेयर प्रेजेंट है, बहुत ही थिन सी लेयर प्रेजेंट है, उसे अपन क्या कहेंगे, स्लाइम लेयर। इसे तो वो कब यूज़ लेगा, कैप्सूल को तो एडवर्स कंडीशन में खुद को सेफ्टी प्रोवाइड करवाने के लिए। एंड अगर उसे लगे कि उसके साइटोप्लाज्म में उसका जो न्यूट्रिशन अगर वो बाहर एब्जॉर्ब नहीं हो जाए तो उसको बचाने के लिए किसका फॉर्मेशन कर लेगा, ये स्लाइम लेयर का। जो कैप्सूल है वो काफी रिजिड होल है और वो कंप्लीट बैक्टीरिया पे प्रेजेंट होगी, रेगुलर होगी, और जो स्लाइम लेयर है वो इररेगुलर भी हो सकती है। अब हम नेक्स्ट इसकी बात करते हैं कि ये तो इसकी कंप्लीट क्या हो गई, सेल के ऊपर जितनी कवरिंग थी उनकी बात हो गई। अब हम बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म की बात करें तो ये जितना भी पोर्शन हमें दिख रहा है ये क्या है, बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। अब हम देखें कि बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट होगा। तो हमें पता है कि बैक्टीरिया कैसा है, एक प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इसके साइटोप्लाज्म में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल जैसे कि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं वो
बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नहीं होंगे। जैसे हम ऑर्गेनल्स की बात करें, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ये सारे सेल ऑर्गेनल हैं, वो बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नहीं होंगे। तो अब हम देखते हैं कि इसके साइटोप्लाज्म में फिर क्या प्रेजेंट हो सकता है। तो सबसे पहले अगर साइटोप्लाज्म में हम बात करें न्यूक्लियस की, तो हमें पता है बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, तो इसका न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप नहीं है। तो इसके लिए हम न्यूक्लियस वर्ड यूज में ना लेके कौन सा वर्ड यूज में लेंगे, न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड के इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ एक ही सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, जो कैसा होगा, शेप में सर्कुलर होगा और डबल स्ट्रैंडेड नेकी डीएनए प्रेजेंट होगा। तो ये हम बात करें बैक्टीरिया के अंदर, तो ये बैक्टीरिया का क्या प्रेजेंट हो गया, इसका न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट हो गया। अब न्यूक्लियोइड कैसा है, इसका सिर्फ सिर्फ इसमें एक सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा और वो कैसा होगा, सर्कुलर शेप में प्रेजेंट होगा। अगर अपन यूकैरियोट्स की बात करें, तो यूकैरियोट्स का जो डीएनए होता है, जो क्रोमोसोम होता है, वो कैसा होगा, हमेशा लीनियर फॉर्म में अरेंज्ड होगा, जबकि जो बैक्टीरिया है, इसका न्यूक्लियोइड है, वो कैसे प्रेजेंट होगा, हमेशा सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होगा। अब देखो, इसके न्यूक्लियोइड इसके जेनेटिक मटेरियल के अलावा बैक्टीरिया के अंदर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। अगर हम इसे बनाएं, बैक्टीरिया में एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, डबल सर्कुलर होता है, वो भी इसका जेनेटिक मटेरियल है, जिसे हम क्या टर्म यूज़ में लेते हैं, जिसके लिए हम प्लाज्मिड यूज़ में लेते हैं। अब ये प्लाज्मिड क्या है, बैक्टीरिया के खुद के डीएनए के अलावा इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड अभी तो हमें कोई यूज़ में नहीं आ रहा, लेकिन जब हम स्टडी करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की, है ना, तो बायोटेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड को एज ए वेक्टर, अगर हमें डीएनए का रेप्लिकेशन करवाना है, तो उस टाइम हम किसको यूज़ में लेते हैं, इसे प्लाज्मिड को यूज़ में लेते हैं। सो अब हम इसके वापस आते हैं हमारे साइटोप्लाज्मिक इसके ऑर्गेनेल्स पे। तो फर्स्ट क्या हो गया, न्यूक्लियोइड हो गया, जिसमें सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करें कि इसमें रेस्पिरेशन के लिए क्या होगा, तो रेस्पिरेशन के लिए इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, उस सेल मेम्ब्रेन से ऐसे एक फोल्डिंग निकली होगी, जिसे हम क्या कहेंगे, मीजोसोम, मीजोसोम। अब इसके मीजोसोम में क्या होगा, इसके मीजोसोम में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, हम लिख सकते हैं इसके मीजोसोम में ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, जो किस में हेल्प करेंगे, बैक्टीरियल रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे। तो ये किसके सिमिलर ऑर्गेनल हो गया, जैसे कि यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, वैसे ही बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया की जगह क्या प्रेजेंट होगा, मीजोसोम प्रेजेंट होगा, जिसमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स लगे होंगे, और ये एंजाइम्स क्या करेंगे, बैक्टीरिया के रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे। इसके अलावा हम और बात करें इस मीजोसोम का क्या क्या फंक्शन हो सकता है, तो सपोज कि बैक्टीरिया जब डीएनए का रेप्लिकेशन करेगा, जब उसमें सेल डिवीजन होगा, तो बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम है वो क्या करता है, इस मीजोसोम के साथ में अटैच हो जाता है, इसके साथ में जुड़ जाता है इसका क्रोमोसोम। तो अब जब सेल डिवीजन होगा, डीएनए डुप्लीकेशन होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, तो इसमें एक मीजोसोम और बन जाएगा, और उसी के साथ में क्या हो जाएगा, इसका जो क्रोमोसोम है उसका भी क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन हो जाएगा। तो एक से क्या बन गए, दो बन गए। अब जब सेल डिवीजन होगा, तो ये मेजोसोम क्या करेगा, जो न्यू डॉटर सेल्स बन रही है, उनके अंदर इन दोनों जो क्रोमोसोम है उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का फंक्शन भी कौन करेगा, मीजोसोम। तो हम अगर मीजोसोम की बात करें, तो बैक्टीरिया में मीजोसोम है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है इसका, जिसका फंक्शन क्या होगा, फर्स्ट तो इसमें क्या है, ऑक्सीडेटिव एंजाइम प्रेजेंट है, तो फर्स्ट फंक्शन क्या होगा इसका, रेस्पिरेशन का फंक्शन हो गया। सेकेंड एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है कि मीजोसोम इसके आउटर साइड में जो सेल वॉल प्रेजेंट है, उसके फॉर्मेशन में भी मीजोसोम है वो हेल्प करता है। तो अपन सेकंड फंक्शन क्या लिख सकते हैं इसका, कि फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। इसके अलावा थर्ड इसका हम देखें,
इसका यूज़ क्या हो सकता है। तो थर्ड क्या करता है, ये क्या करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा। एंड फोर्थ क्या करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन के थ्रू जो न्यू क्रोमोसोम्स बने हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन करेगा सेल डिवीजन के टाइम। तो ये हमारे पास फंक्शन हो गया मीजोसोम का। अब मीजोसोम के बाद हम बात करें कि इसमें नेक्स्ट और क्या प्रेजेंट हो सकता है। सपोज अगर कोई बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है तो उसको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, क्लोरोप्लास्ट की रिक्वायरमेंट होगी। अब बैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट तो प्रेजेंट नहीं होता, तो इसमें क्या होगा, इसमें फिर से इसकी सेल मेम्ब्रेन से इनफोल्डिंग या इन्वेजिनेशन निकलेगी और जिसके अंदर पिगमेंट्स फिल होंगे जिसे हम क्या कहेंगे, क्रोमेटोफोर क्या करेगा, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है उनको प्रोवाइड करवाएगा, ऐसे पिगमेंट्स प्रोवाइड करवाएगा ताकि वो अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड है वो बना सकें। तो इसमें क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट की जगह क्या प्रेजेंट हो गया, इसमें क्रोमेटोफोर प्रेजेंट हो गया। इसके बाद हम अब नेक्स्ट बात करें तो इसके अलावा इसमें और क्या प्रेजेंट होता है, इसमें कुछ एक इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट होती है, इसे अपन लिख लेते हैं यहाँ पे क्या प्रेजेंट है इसमें, इंक्लूजन इंक्लूजन बॉडीज। अब इन इंक्लूजन बॉडीज़ का फंक्शन क्या होगा, जैसे कि प्लांट सेल में प्लांट वैक्यूल प्रेजेंट होती है, जिस वैक्यूल में प्लांट क्या करता है, उसके पास जितने भी जो एक्स्ट्रा उसके एंजाइम्स वगैरह होते हैं या जो उसका फूड होता है उसको स्टोर करने का फंक्शन किस में करता है, प्लांट है उस वैक्यूल में स्टोर करता है। लेकिन बैक्टीरिया क्या करेगा, अपने इंक्लूजन बॉडीज के अंदर किसको स्टोर रखेगा, अपन बात करें एक तो फोस्फेट फोस्फेट ग्रेन्यूल्स को रखेगा, फोस्फेट ग्रेन्यूल्स। एंड इसके अलावा ये पॉलीपेप्टाइड या जो पॉलीसेकेराइड है ग्लाइकोजन, उसको भी स्टोर रखता है। ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन क्या हो गया, इसका स्टोर्ड फूड हो गया बैक्टीरिया का। तो इंक्लूजन बॉडीज में क्या रखेगा कि इसके पास जो भी एक्स्ट्रा जो एंजाइम्स बन रहे हैं या फिर जो ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो रहा है, फोस्फेट ग्रेन्यूल है, इन सब का जो इकट्ठा है ये कहाँ कर लेगा, इस इंक्लूजन बॉडी के अंदर इनको सबको स्टोर करके रख लेगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू रेस्पिरेशन हो गया, क्रोमेटोफोर के थ्रू क्या हो गया, इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो भी ये कंप्लीट कर सकता है। इसके अलावा और बात करें हम बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट हो सकता है, तो हमें पता है कि बैक्टीरिया में ये जो न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, तो जब न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है डीएनए प्रेजेंट है तो डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। सपोज ये क्या बना हमारे पास है, आरएनए बना। अब आरएनए से आगे क्या बननी है, प्रोटीन बननी है। तो प्रोटीन बनने के लिए किसकी हेल्प चाहिए होती है, राइबोसोम्स की। तो हम इसे बना सकते हैं कि बैक्टीरिया में और क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम है वो कैसे प्रेजेंट होंगे, 70S टाइप के बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम। और वो कैसे हैं, 70S टाइप के। अगर हम यूकैरियोट्स में बात करें तो यूकैरियोट्स में भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, बट यूकैरियोट्स में कैसे होते हैं, 80S प्रेजेंट होते हैं, जिनकी जो सब यूनिट होती है वो होती है 60S एंड 40S। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर जो राइबोसोम प्रेजेंट होगा इसकी सब यूनिट होगी 50S एंड 30S। एस क्या है इसका, साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको सर्च किया था उसके बेसिस पे नेम है इसका स्वेजबर्ग कोफिशियंट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, बैक्टीरिया का राइबोसोम हो गया। अब इस राइबोसोम का फंक्शन कब होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा राइबोसोम। तो देखो अगर मैं इसे इस डायग्राम को आपको थोड़ा सा बाहर एक्सप्लेन करूं, सो ये हमारे पास सपोज क्या है, बैक्टीरिया का डीएनए, डीएनए से फर्दर क्या बनेगा, आरएनए। ये डीएनए हो गया, ये क्या हो गया, आरएनए। अब इस आरएनए से नेक्स्ट क्या होगी, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए क्या होगा, ये जो आरएनए है इस आरएनए के ऊपर ये जो राइबोसोम्स हैं इसकी जो दोनों सब यूनिट्स हैं वो आके अटैच हो जाएगी। तो इसके एक ही आरएनए के ऊपर काफ़ी सारे राइबोसोम्स हैं वो आके अटैच हो जाते हैं। तो ऐसे आरएनए को हम, ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, पॉलीसोम, पॉलीसोम। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, हमें ये भी लर्न होना चाहिए। सपोज मैं इसको यहाँ बना देती हूँ,
ये इसका राइबोसोम था जिसके ऊपर ये प्रेजेंट है, तो ये इसका क्या हो गया, पॉलीसोम हो गया बैक्टीरिया का। अब देखो पॉलीसोम है तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे क्या ऐड हो रखा, एक राइबोसोम यहाँ, दूसरा राइबोसोम यहाँ, तीसरा राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या करेगा, इतना पोर्शन है वो कट होके अलग होके एक प्रोटीन बना लेगा, इतना जो पोर्शन है वो दूसरा प्रोटीन बना लेगा, ये नेक्स्ट प्रोटीन बना लेगा। तो ऐसे राइबोसोम है उसके थ्रू बैक्टीरिया के अंदर है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन कंटिन्यू होता रहेगा। तो ये हमारे पास कुछ ऑर्गेनल्स थे या कुछ स्ट्रक्चर थी जो कि बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो सकती है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, कंप्लीट बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर हो गई, जिसमें अपने क्या देखा था, फर्स्ट तो क्या देखा था, इसकी अलग अलग मेम्ब्रेन देखी थी। सबसे इनर मोस्ट मेम्ब्रेन कौन थी, सेल मेम्ब्रेन, किसकी बनी हुई थी, लिपोप्रोटीन की। सेकंड है सेल वॉल, किसकी बनी है, पॉलीपेप्टाइड की। सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या थी, ग्लाइकोकेलिक्स, जो टू टाइप्स का था, या तो वो कैप्सूल हो सकता है, काफ़ी रिजिड होगा स्ट्रक्चर में कैप्सूल, एंड स्लाइम लेयर हो सकता है जो बहुत ही थिन स्ट्रक्चर होती है। इसके बाद हमने इसके साइटोप्लाज्म की बात करी कि साइटोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट होंगे। तो इसके साइटोप्लाज्म में फर्स्ट प्रेजेंट होगा न्यूक्लियोइड, जिसमें सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, और कैसी शेप में प्रेजेंट होगा, सर्कुलर शेप में प्रेजेंट होगा। अब डीएनए के बाद अपन नेक्स्ट बात कर सकते हैं कि डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए, आरएनए से बनेगा प्रोटीन। तो प्रोटीन के लिए इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। और ये यहाँ से हमें ये इंपॉर्टेंट लर्न करना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो प्रोकैरियोटिक है उनके अंदर राइबोसोम्स कौन से होते हैं, तो 70S राइबोसोम प्रेजेंट होगा। तो अब ये जो राइबोसोम है ये क्या करेगा, इस आरएनए के ऊपर आके अटैच हो जाएगा, और यहाँ से जब ये डिग्रेड होगा, सेपरेट होगा, तो हर एक पोर्शन से अलग अलग प्रोटीन बन जाएगी। तो एक ऐसी शेप जिसमें इस एमआरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम अटैच हैं, तो ऐसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, पॉलीसोम, जो किस में हेल्प करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। इसके अलावा हम अगर बात करें कि हमारे पास ऐसे बैक्टीरिया हों जो फोटोसिंथेटिक हों, तो उनके लिए हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट हमने क्या देखा था, बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट है, मीजोसोम स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। मीजोसोम इसका क्या है, एज ए माइटोकॉन्ड्रिया के सिमिलर स्ट्रक्चर है। तो मीजोसोम के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, ऑक्सीडेटिव एंजाइम प्रेजेंट होंगे, जो किस में हेल्प करेंगे, फर्स्ट तो बैक्टीरिया के रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे, सेकंड किस में हेल्प करेंगे, हमने बात की थी कि जो सेल वॉल है इसके फॉर्मेशन में भी मीजोसोम हेल्प करता है। इसके अलावा थर्ड बात करें तो जो डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस होती है उसके अंदर भी आपका मीजोसोम है वो काफ़ी हेल्प करता है। एंड डीएनए रेप्लिकेशन के बाद जब दो अलग अलग क्रोमोजोम्स डीएनए बन जाते हैं, तो डॉटर सेल्स में सेल डिवीजन के टाइम उनका डिस्ट्रीब्यूशन करने का फंक्शन है वो भी कौन शो करता है, मीजोसोम। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो गई बैक्टीरिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया। तो देखो स्टेनिंग क्या होती है, स्टेनिंग होता है टू प्रोवाइड कलर। अगर हमें बैक्टीरिया की स्टडी करनी है तो अंडर माइक्रोस्कोप उसे ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या करेंगे, बैक्टीरिया की स्टेनिंग करेंगे, उसे कलर प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे हमें बैक्टीरिया है वो इजीली विजिबल हो सके। तो देखो बैक्टीरिया के स्टेनिंग के लिए हम किस किस को यूज़ में लेंगे, फर्स्ट हम यूज़ लेते हैं बैक्टीरिया की स्टेनिंग के लिए, आता है हमारे पास क्रिस्टल वॉयलेट, एंड सेकंड है हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। सो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, बैक्टीरिया को लेके उसे क्रिस्टल वॉयलेट एंड पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में डाल देंगे, या इन सॉल्यूशन के उसके ऊपर ड्रॉप्स डालेंगे। तो हम क्या देखेंगे थोड़े टाइम के बाद कि ये कलर है हो पाते हैं या नहीं। तो इनको कलर प्रोवाइड करवाने के लिए हमने किसको यूज़ लिया, फर्स्ट स्टेप में क्रिस्टल वॉयलेट एंड सेकंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को यूज़ में लिया। अब इनके बाद हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि बैक्टीरिया को यहाँ से बाहर निकाल के वॉश करेंगे। तो वॉश करने के लिए हमें किसको यूज़ में लेंगे, एसीटोन को या फिर एल्कोहल को। सो बैक्टीरिया को वॉश करने के लिए हमने किसको यूज़ लिया, एसीटोन और एथिल एल्कोहल को। अब इनसे वॉश करने के बाद हम क्या देखेंगे कि हमारे पास टू टाइप्स के बैक्टीरियाज प्रेजेंट होंगे, फर्स्ट होंगे ग्राम
पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड सेकंड होंगे हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ये ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव क्या है कि ये जो स्टेनिंग की प्रोसेस थी बैक्टीरिया को स्टेन उसे कलर करने की प्रोसेस थी ये एक साइंटिस्ट थे एच सी ग्राम इन्होंने प्रपोज किया था इसीलिए इनके नाम के बेसिस पे बैक्टीरिया की टू कैटेगरीज हो गई आफ्टर स्टेनिंग फर्स्ट हो गई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड सेकंड है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तो कैसे होंगे पॉजिटिव मींस क्या हो गया कि इसके ऊपर कलर आ गया जब हमने स्टेनिंग की तो ये बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो कलरफुल शो होंगे और स्टेनिंग के बाद इनका कलर कैसा हो जाएगा बैक्टीरिया का वायलेट या फिर पर्पल। अगर स्टेनिंग के बाद हमें बैक्टीरिया वॉयलेट या पर्पल कलर के शो होते हैं तो वो बैक्टीरिया कैसे हो गए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो गए। और अगर स्टेनिंग के बाद हमें बैक्टीरिया कलर लेस अगर हमें शो हो रहा है विजिबल हो रहा है तो ऐसे बैक्टीरियाज कैसे हो जाएंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कलर लेस। तो इन बैक्टीरिया के ऊपर क्या हुआ हमने ये जो स्टेनिंग की थी क्रिस्टल वॉलेट एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन की इससे ये स्टेन नहीं हुए कलर लेस ही रह गए। तो ऐसे बैक्टीरिया जो ग्राम नेगेटिव हो अब इनकी स्टेनिंग हम किसके थ्रू करेंगे तो इनकी स्टेनिंग के लिए हमारे पास एक और सॉल्यूशन होता है एंड दैट इज सेफ्रेनिन। सेफ्रेनिन सेफ्रेनिन आपने बायोलॉजी लैब में अगर आपने 12th में प्रैक्टिकल्स किए हैं 11th 12th में तो काफ़ी देखा होगा सेफ्रेनिन को कि हम मोस्टली माउंट करने के लिए या स्टेन करने के लिए हमेशा सेफ्रेनिन को ही यूज़ में लेते हैं जो कि एक पिंक कलर का स्टेन या कलर होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गए बैक्टीरिया की स्टेनिंग जिसके बेसिस पे बैक्टीरिया टू टाइप्स के होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो कलरलेस हैं उनको हम फर्दर किससे कलर प्रोवाइड करवाएंगे सेफ्रेनिन के थ्रू। आगे हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन के कैसे कैसे कौन कौन से मोड्स हो सकते हैं तो उसके बेसिस पे बैक्टीरिया की टू कैटेगरीज है फर्स्ट हमारे पास है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड सेकंड है हमारे पास हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो पहले अपन इनको समझें तो सपोज कि जैसे ह्यूमन बीइंग है ह्यूमन बीइंग अपना फूड खुद नहीं बनाता वो अपने फूड के लिए या तो प्लांट्स पे डिपेंड होता है या फिर एनिमल्स पे डिपेंड होता है मींस कि अपना फूड किससे ऑब्टेंड करेंगे किसी अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए तो ऐसे तो क्या होंगे हमारे पास हेटरोट्रॉफिक हो जाएंगे। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद बना पाते हैं जैसे एग्जांपल हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स किसी भी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं होगा प्लांट्स क्या करता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू अपना फूड खुद बनाता है। तो ऑटोट्रॉफिक तो क्या हो गया ऐसे बैक्टीरियाज जो अपना फूड खुद बनाएंगे ऑटो मीन्स क्या होता है सेल्फ होता है ना तो ये तो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अपना फूड खुद बनाएंगे किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये डिपेंड नहीं होते। तो खुद जब ये अपना फूड बनाएंगे तो हो गए ऑटोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक के भी हमारे पास टू कैटेगरीज हैं फर्स्ट तो है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड सेकंड है हमारे पास कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब देखो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या होंगे हम इस वर्ड को देखें फोटो मीन्स क्या होगा लाइट तो ऐसे बैक्टीरिया जो लाइट एनर्जी को यूज़ करके अपना फूड खुद बनाते हैं तो वो बैक्टीरिया कैसे हो जाएंगे हमारे पास है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब ये लाइट की प्रेजेंस में कैसे बनाएंगे नॉर्मली हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को समझें तो फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या करते हैं कि प्लांट्स के पास जो CO2 होती है ना उसको प्लस जो प्लांट्स के पास H2O है CO2 को तो प्लांट कहाँ से ले लेंगे एनवायरनमेंट से ले लेंगे एंड उनके पास जो H2O है इन दोनों का यूज़ करके प्लांट क्या बना देंगे ग्लूकोज बना देंगे या कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब इनका फॉर्मेशन करने के लिए इनको एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वो एनर्जी ये कहाँ से लाएंगे लाइट से। सेम एज बैक्टीरियाज भी ऐसे करेंगे कि बैक्टीरिया एनवायरमेंटल CO2 को यूज़ लेंगे प्लस
वाटर को यूज़ लेंगे, और किसके प्रेजेंस में, लाइट फोटो के प्रेजेंस में क्या कर देंगे, इन दोनों को लाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज में चेंज कर देंगे। तो इन बैक्टीरियाज ने क्या कर लिया, अपना फूड खुद बना लिया। तो ये हमारे पास कैसे हो गए, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, और इसकी वैरायटी कौन सी हो गई, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऐसे अगर हम सेकेंड की बात करें कि हमारे पास कौन से हैं, कीमोसिंथेटिक। तो कीमो क्या हो गया, कीमो वर्ड्स हम किससे ले सकते हैं, किसी भी केमिकल से लें। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में क्या होगा कि ये ऐसे बैक्टीरिया हैं कि इनके पास जो भी आसपास में केमिकल्स प्रेजेंट होंगे तो ये क्या करेंगे, उन केमिकल्स का ब्रेकडाउन कर देंगे और एक केमिकल को दूसरे केमिकल की फॉर्म में चेंज कर देंगे। और जब एक केमिकल दूसरे केमिकल की फॉर्म में चेंज होगा तो उससे जो एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को ये क्या करेंगे, अपने फूड के फॉर्मेशन में यूज़ में ले लेंगे। सपोज़ कि हमारे पास कोई एक केमिकल है ए, ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, उसे बी केमिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ से एनर्जी का रिलीज होगा और इसी एनर्जी को ये अपना फूड बनाने में यूज़ में ले लेंगे। जैसे फोटोसिंथेटिक किसको यूज़ में ले रहे थे, लाइट को, ऐसे ये क्या करेंगे, केमिकल एनर्जी को यूज़ में लेके अपना फूड या ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेंगे। इनका एग्जांपल की बात करें तो नाइट्रोजन फिक्सिएशन, उसमें कुछ एक बैक्टीरिया यूज आते हैं, जैसे अपन पढ़ते हैं ना नाइट्रोमोनास बैक्टीरिया है या एजेटोबैक्टर बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सिएशन बैक्टीरिया होते हैं। वो क्या करते हैं कि जो नाइट्रोजन है एनवायरनमेंट में, नाइट्रोजन मोस्टली इस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, इसको प्लांट्स हैं वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को किस फॉर्म में बदल देंगे, NH3 अमोनिया के फॉर्म में बदल देंगे। तो जैसे ही NH3 में चेंज करेंगे इस अमोनिया को, तो प्लांट्स क्या करेंगे, इस अमोनिया को अपने यूज़ में ले लेंगे। तो अब बैक्टीरिया ने क्या किया, ये केमिकल था, इस केमिकल को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हुई थी उसे बैक्टीरियाज ने क्या किया, अपने फूड के फॉर्मेशन में यूज ले लिया। तो जो नाइट्रोफिक्सेशन बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे पास किसके एग्जांपल हो गए, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज के। तो ऐसे बैक्टीरिया जो किसी भी केमिकल की फॉर्म को चेंज करेंगे और उस टाइम जो उससे एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को अपने फूड के फॉर्मेशन के लिए यूज में ले लेंगे, तो वो बैक्टीरिया हो जाएंगे हमारे पास कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। मोस्टली एग्जांपल इनका होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बैक्टीरिया होंगे वो सारे कैसे होंगे, हमारे पास कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज होंगे। अब हम नेक्स्ट बात करें हेटरोट्रॉफिक की। तो देखो जो हेटरोट्रॉफिक है, तो हेटरो मीन्स क्या होता है, डिफरेंट। डिफरेंट मीन्स कि ये ऐसे बैक्टीरियाज हैं जिनमें खुद में अपना फूड बनाने की कैपेसिटी नहीं होती, वो फूड के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो इस बेसिस पे भी हमारे पास बैक्टीरियाज की टू कैटेगरीज हैं। फर्स्ट तो ऐसे होंगे जो कैसे हैं, सैप्रोफिटिक। फर्स्ट है सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया एंड सेकेंड है हमारे पास पैरासिटिक बैक्टीरिया। पैरासिटिक बैक्टीरिया टू टाइप्स की कैटेगरीज हैं हेटरोट्रॉफिक में, सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। अब सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं, ये बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो अपने फूड को हमेशा डेड या जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है उससे अपने फूड को ऑब्टेन करेंगे, तो उन्हें अपन क्या बोलेंगे, सेप्रोफिटिक। सेप्रो मीन्स हमें लर्न करना है कि अपना फूड हमेशा किससे लेंगे, डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से या मैटर से। सो सैप्रोफिटिक बैक्टीरियाज कौन से हो गए, ऐसे बैक्टीरिया जो अपना फूड किन से ऑब्टेन करेंगे, हमेशा डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से यूज़ मिलेंगे। एंड पैरासिटिक कैसे होंगे, ये ऐसे बैक्टीरिया होंगे, ये भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, लेकिन ये कैसे रहेंगे, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये उनके ऊपर डिपेंड होंगे। सो ऐसे बैक्टीरिया जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होकर अपना फूड खुद बनाते हैं तो वो हो गए पैरासिटिक बैक्टीरिया। एंड ऐसे बैक्टीरिया जो किसी डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड होकर अपना फूड बनाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, सैप्रोफिटिक हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब देखो चाहे सैप्रोफिटिक लें या पैरासिटिक, इन दोनों की फर्दर हमारे पास टू कैटेगरीज और हैं। फर्स्ट हम कह सकते हैं ऑब्लिगेट सैप्रोफिटिक।
एंड सेकंड हम बात कर सकते हैं फैकल्टेटिव फैकल्टेटिव सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया। ऑब्लिगेट ऑब्लिगेट का मीन्स क्या होता है, ऑब्लिगेशन मीन्स ये उनकी रिक्वायरमेंट है, ये उनके लिए ज़रूरी है, उनकी मजबूरी है। तो ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो क्या करेंगे, मोस्टली होते कैसे हैं, सेप्रोफिटिक मीन्स कि वो अपना फूड हमेशा किससे लेंगे, डेड या फिर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपने फूड को एब्जॉर्ब करेंगे। लेकिन जस्ट सपोज अगर उनके पास ऐसे बैक्टीरिया अगर जिनको डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं मिल पाता, तब वो क्या करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी खुद का न्यूट्रिशन है वो ले सकते हैं। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। तो ऑब्लिगेट बैक्टीरिया तो कैसे होंगे, जो हमेशा किससे लेंगे, सिर्फ डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। एंड फैकल्टेटिव कैसे हो गए, जो होते तो कैसे हैं, सेप्रोफिटिक ही होते हैं, लेकिन क्या करेंगे अगर उनको मोस्टली सेप्रोफिटिक या उनको डेड या डिकेइंग मैटर नहीं मिल पा रहा, तब वो एज ए पैरासाइट की तरह फंक्शन करेंगे और लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड है उसको ऑब्टेन कर लेंगे। तो यहाँ पे अपन सेकंड नेम ले सकते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट। पैरासाइट पैरासाइट क्यों बोला, क्योंकि अब ये डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मेटल से यूज़ ना लेके किससे यूज़ लेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। सो इसलिए हमारे पास हो गए फैकल्टेटिव पैरासिटिक बैक्टीरिया। अब हम ऐसे बात करें पैरासिटिक की, तो पैरासिटिक ऐसे हैं जो हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म से खुद का फूड ऑब्टेन कर रहे हैं। इसकी भी हमारे पास वही टू कैटेगरी होगी, फर्स्ट होगी ऑब्लिगेट पैरासिटिक एंड सेकेंड होगी हमारे पास फैकल्टेटिव सेप्रोफिटिक। हमें ये टर्म यूज़ लेनी है। देखो बात हम किसके कर रहे हैं, पैरासिटिक की, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पैरासिटिक ना लिखे, क्या लिखा, सेप्रोफिटिक। यहाँ मैंने लिखा ऑब्लिगेट पैरासिटिक एंड हाँ लिखना चाहिए था ना फैकल्टेटिव पैरासिटिक, लेकिन पैरासिटिक ना लिखे मैंने क्या लिखा, सेप्रोफिटिक। क्यों, क्योंकि इनके पास ऐसी फैसिलिटी है कि अगर इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा तो ये डेड नहीं होते हैं, ये खुद डेड जो मटीरियल है उनसे अपना फूड है वो ऑब्टेन कर लेते हैं। और ऐसे बैक्टीरिया जो डेड से करेंगे उनके लिए अपन ने टर्म क्या यूज़ मिली थी, सेप्रोफिटिक। तो ये फैकल्टेटिव सेप्रोफिटिक हो गए। मोस्टली पहले तो ये अपना फूड किससे लेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेंगे, लेकिन अगर इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा तो ये क्या हो जाएंगे, सेप्रोफिटिक हो जाएंगे, अपना फूड है वो डेड ऑर्गेनिज्म से लेना स्टार्ट कर देंगे। एंड जो ऑब्लिगेट पैरासाइट है ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेंगे, अगर इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मिलता तो इनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो मोस्टली अगर अपन जितने भी बात करें कि हमारे पास जो डिजीज कोजिंग बैक्टीरियाज हैं, तो डिजीज कोज करने के लिए कोई भी बैक्टीरिया एनिमल या प्लांट में एंटर करेगा, वहां एंटर करेगा तो वो तो क्या यूज में लेता है, उनसे अपना फूड ऑब्टेन करता है, और उसका जो साइड इफेक्ट होगा उससे हमें कोई ना कोई डिजीज हो जाएगी। तो जितने भी जो पैरासिटिक बैक्टीरिया हैं वो ऑलमोस्ट कौन सी कैटेगरी में आते हैं, डिजीज कोजिंग जो बैक्टीरियाज हैं उनमें आते हैं। बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन के बाद नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन के बेसिस पे हमने टू टाइप्स के बैक्टीरिया होंगे। फर्स्ट बैक्टीरिया हो गए हमारे पास एरोबिक बैक्टीरिया एंड सेकंड बैक्टीरिया की कैटेगरी होगी एन एरोबिक बैक्टीरिया। सो इन टर्म्स को समझने से पहले नॉर्मली हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं। तो रेस्पिरेशन क्या है, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में वो क्या करेगा कि उसकी बॉडी की सेल में प्रेजेंट जो कार्बोहाइड्रेट है वो उस कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करेगा, डिग्रेडेशन करेगा, और उसे जो एटीपी रिलीज होगी उसे प्रोसेस के थ्रू वो क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा। तो हम देखें कि सपोज हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अब हम क्या करेंगे, एनवायरमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन को यूज़ में लेंगे और इससे क्या निकलेगी, एक तो एटीपी एनर्जी के फॉर्म में जिसे हमें एनर्जी मिलेगी, एंड सेकंड क्या रिलीज होगी, CO2 जो कि एक वेस्ट गैस के रूप में निकलती है। तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या हुआ कि जो ग्लूकोज है उसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डिग्रेड किया जाएगा और उससे ATP रिलीज होगी और CO2 एक वेस्ट गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। तो ये प्रोसेस हमारे पास क्या है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस है। सो बैक्टीरिया भी यही फंक्शन करते हैं। ऐसे बैक्टीरिया होंगे, एक तो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कैसे होंगे, एरोबिक
एंड सेकंड बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो कैसे हैं, एन एरोबिक। अब एरोबिक बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को यूज़ में लेंगे रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, एंड जो एन एरोबिक बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये तो ऐसे बैक्टीरिया हैं जिन्हें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए विथ ओ2 रेस्पिरेशन की प्रोसेस को शो करेंगे, एंड ये विदाउट ऑक्सीजन के भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस को शो कर सकते हैं। अब इनके एरोबिक के हम फर्दर डिवाइडेशन देखें, इसकी कैटेगरी देखें, तो ये हमारे पास टू कैटेगरी का हो जाएगा। फर्स्ट होगा ऑब्लिगेट एरोबिक एंड सेकंड होगा फैकल्टेटिव एन एरोबिक। ऐसे ही एन एरोबिक की बात करें तो इसके पास भी हमारे टू कैटेगरीज हो जाएंगी। इसकी भी फर्स्ट हो जाएगी हमारी ऑब्लिगेट एन एरोबिक एंड सेकंड हो जाएगी फैकल्टेटिव एरोबिक। सो देखो, फर्स्ट पे आते हैं ऑब्लिगेट एरोबिक। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमेशा किसके प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ऑब्लिगेट मीन्स क्या हो जाता है, ऑब्लिगेशन होता है उसके लिए, उसकी मजबूरी होती है कि उसे रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर इन बैक्टीरियाज़ को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो ये क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। जैसे ह्यूमन बीइंग है, अगर हम हमारी सांस को रोक लेते हैं मुँह और नोज दोनों के थ्रू, तो 2 to 5 मिनट्स में क्या हो जाएगी, हमारी डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। हम O2 को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं होगी और हमारी डेथ हो जाएगी। तो ऐसे ये बैक्टीरिया कैसे हैं, ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया हैं। अगर इनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो इन बैक्टीरिया की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। सेकेंड हमारे पास है फैकल्टेटिव एन एरोबिक। अब देखो, ऊपर टर्म तो मैंने एरोबिक लिखा, अब यहाँ पे एन एरोबिक क्यों लिखा, ये इसलिए लिखा मैंने कि एरोबिक बैक्टीरिया में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है सर्वाइव करने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए। लेकिन ये ऐसे बैक्टीरिया हैं, फैकल्टेटिव मीन्स क्या हो जाएगा, इनके पास ऐसे सेकंड ऑप्शन रहेगा या इनके पास ऐसे फैसिलिटी रहेगी कि अगर इनको ऑक्सीजन नहीं भी मिलती है तो ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी सर्वाइव कर जाते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास फैकल्टेटिव एन एरोबिक बैक्टीरिया। ऐसे सेकंड पे हम चले एनएरोबिक बैक्टीरिया, तो ये ऐसे बैक्टीरिया होंगे जिन्हें रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो एनएरोबिक बैक्टीरिया में भी हमारे पास टू चॉइसेस है। फर्स्ट होगी ऑब्लिगेट एनएरोबिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो क्या करेंगे, ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कर लेंगे, और अगर इनको ऑक्सीजन मिल जाती है तो ये सर्वाइव नहीं कर पाते। एंड ऐसे ही जो फैकल्टेटिव एनएरोबिक बैक्टीरिया है, ये मोस्टली होंगे तो कैसे, एनएरोबिक होंगे, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी इनमें रेस्पिरेशन करने की कैपेसिटी होती है। लेकिन अगर इनको ऑक्सीजन की एब्सेंस नहीं मिल पाती तो ये क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी, एरोबिक हो गया ना, तो एरोबिक मीन्स क्या हो गया कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस को शो कर पाएंगे। तो ये हमारे पास हो गया रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। अब आज के लेक्चर में हमने क्या क्या बात की, हमने फर्स्ट देखा था स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया जिसमें उसके जितने भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट थे उनकी बात की थी। नेक्स्ट हमने देखा था न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, एंड उसके बाद फाइनल हम देख रहे हैं रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। तो अब हमने आज के सेशन में जितना भी देखा उन सबको हम हमारे हैंड रिटन नोट्स के थ्रू फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अगर आप हमारे इन हैंड रिटन नोट्स की PDF कॉपी लेना चाहते हो तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका पासवर्ड रहेगा पढ़ाईगिरी, जिसमें सारे लेटर्स हैं वो कैपिटल होंगे। सो अब हम हमारे चैप्टर पे आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरियल सेल। सो बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट होगा वो देखते हैं।
सो फर्स्ट हमारे पास क्या है, ये हमें डायग्राम दिख रहा है। तो इस डायग्राम में क्या है, ये जो सबसे पहले है ये इसकी कौन सी मेम्ब्रेन हो गई, इसकी सेल मेम्ब्रेन हो गई। सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड में क्या प्रेजेंट होगी, इसकी सेल वॉल प्रेजेंट होगी, सेल वॉल प्रेजेंट होगी। और सेल वॉल के बाहर क्या होगा, ग्लाइकोकैलिक्स की एक लेयर और प्रेजेंट होगी। इसके अलावा अगर हम इसमें बात करें तो हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, एक न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड देखने को मिलता है, जिसे हम न्यूक्लियोइड या फिर जिनोफोर भी कहते हैं। इसके अलावा ये सारा इसका क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। ये जो सिंगल एक हमें स्ट्रक्चर दिख रही है दैट इज फ्लैजिलम। इसके अलावा इसका सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है मेसोसोम, तो इसके फंक्शन की अभी हम बात करेंगे। इसके अलावा इसमें प्रेजेंट है इंक्लूजन बॉडीज, सो ये हमारा कंप्लीट हो गया। और इसमें राइबोसोम प्रेजेंट है दैट इज एमटी एस राइबोसोम, सो ये हमारा डायग्राम हो गया। इसके बाद हम एक एक पोर्शन को डिस्कस करें, तो फर्स्ट हमारे पास है ग्लाइकोकैलिक्स जो सबसे आउटर लेयर थी। सो इसके टू पार्ट्स हैं, फर्स्ट कैप्सूल एंड सेकेंड स्लाइम लेयर। कैप्सूल में क्या होगा, थिक होगा, नॉन स्टिकी होगा, रेगुलर होगा एंड स्मूथ लेयर होगी। स्लाइम लेयर क्या है, थिन है, स्टिकी है एंड इररेगुलर है एंड रफ लेयर है। इसके बाद हम इसके इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो सेकंड है हमारे पास सेल वॉल। ये बैक्टीरियल सेल वॉल है वो मोस्टली रिजिड होती है और किसकी बनी होगी, मोस्टली पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होगी। थर्ड सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होगी, ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है और किसकी बनी है, लिपो प्रोटीन की बनी है। इसके बाद हम इसके साइटोप्लाज्म पे आए तो इसके साइटोप्लाज्म में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है वो प्रेजेंट नहीं होता। जैसे कि हम बात करें कौन कौन से हो सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम एंड गोल्जी बॉडी, ये सब किस में प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में, इस बैक्टीरिया में ये सब एब्सेंट रहेंगे। तो अब हम बात करें कि साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हो सकते हैं। सो फर्स्ट है हमारे पास मेजोसोम। सो इट इज फॉर्म्ड बाय द इनफोल्डिंग या इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इनटू द सेल। अब इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। अब मेजोसोम के फंक्शन की बात करें तो फर्स्ट हेल्प करेगा ये सेल रेस्पिरेशन में, सेकेंड सेल वॉल के फॉर्मेशन में, थर्ड डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा एंड फोर्थ हेल्प करेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए टू डॉटर सेल्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल की बात करें दैट इज इंक्लूजन बॉडी। इसमें क्या स्टोर रहेगा, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल एंड फोस्फेट ग्रेन्यूल। अब फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर है, ये किस में हेल्प करेंगी, ये एज ए क्लोरोप्लास्ट होगा तो ये किस में हेल्प करेगी, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगी, जस्ट लाइक पर्पल बैक्टीरिया है फिर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियोइड, तो इसका जो न्यूक्लियस है उसे हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियल सेल के न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसमें सिंगल क्रोमोजोम होगा और इसमें डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए होगा एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन है वो प्रेजेंट होगी। अब इसके न्यूक्लियोइड में एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होती है दैट इज प्लाज्मिड। सो प्लाज्मिड है वो एग्जाम में कई बार हमसे पूछा भी जाता है कि प्लाज्मिड क्या है, तो ये क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, किसमें प्रेजेंट होता है, हमेशा बैक्टीरियल सेल में, और इसमें खुद में एबिलिटी होती है रेप्लिकेट करने की। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, स्टैंडिंग ऑफ बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया की स्टैंडिंग के बारे में किसने बताया था, एच सी ग्रैम ने बताया। उन्होंने बताया कि हम बैक्टीरिया को क्या करेंगे, स्टैन करेंगे, उन्हें कलर करेंगे, तो किसके थ्रू करेंगे, फर्स्ट तो क्रिस्टल वॉलेट एंड सेकेंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के थ्रू। अब इनसे स्टेनिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, बैक्टीरिया को वॉश करेंगे एसीटोन और एथिल अल्कोहल के साथ। अब वॉश के बाद हमें टू टाइप्स के बैक्टीरिया मिलेंगे, फर्स्ट इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड सेकेंड इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो स्टैंड हो गए, जिनमें कलर आ गया, और कौन सा कलर आता है, वॉयलेट या पर्पल कलर, वो कौन से हो जाएंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। एंड ऐसे बैक्टीरिया जिनमें कोई कलर नहीं आता, वो कैसे होंगे, ग्राम निगेटिव। तो अब इन डिकलराइज बैक्टीरिया को फर्दर हम किससे स्टेन कर देंगे, सेफ्रेनिन के साथ में। इसके बाद हम बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन के बेसिस पे बैक्टीरिया टू टाइप के हैं, फर्स्ट है ऑटोट्रॉफिक एंड सेकेंड है हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक की भी कैटेगरी है, फर्स्ट है फोटोसिंथेटिक एंड सेकेंड है कीमोसिंथेटिक। ऐसे ही हेटरोट्रॉप्स में फर्स्ट है सेप्रोफिटिक एंड सेकंड है पैरासिटिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉप्स की बात करें तो ऑटोट्रॉप्स वो होंगे जो या तो लाइट एनर्जी को या केमिकल एनर्जी को यूज करके अपना फूड बनाएंगे। तो फर्स्ट हमारे पास फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, ये क्या करेंगे, लाइट एनर्जी को यूज करके अपना फूड बनाएंगे
एग्जाम्पल हो गया हमारे पास रोडोस्पाइरिलम, सेकेंड है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। तो ये क्या करेंगे, केमिकल एनर्जी को चेंज करके अपना फूड प्रिपेयर करेंगे। और इसके एग्जाम्पल हो गए हमारे पास नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया या फिर नाइट्रोजिनस बैक्टीरिया, एग्जाम्पल हो गया नाइट्रोसोमोनास। सेकेंड होंगे हेटरोट्रॉप्स, जो हमेशा अपना फूड खुद नहीं बनाते, किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। तो फर्स्ट है इसका सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, अपना फूड हमेशा डेड और जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है उससे लेंगे। ये भी टू टाइप्स के हैं, फर्स्ट है ऑब्लिगेट सैप्रोफिटिक। ऑब्लिगेट ये क्या होगा कि अपना फूड सिर्फ किससे लेगा, सिर्फ डेड ऑर्गेनिक मैटर से, एग्जाम्पल है बेसिलस वल्गेरिस। सेकेंड है हमारे पास फैकल्टेटिव पैरासाइट। तो ये मोस्टली बैक्टीरिया कैसे होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं, लेकिन अगर इनको डेड ऑर्गेनिक मैटर नहीं मिलता तो ये क्या हो जाएंगे, पैरासिटिक हो जाएंगे, मीन्स ही लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी अपना फूड प्रिपेयर कर लेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास इसका स्यूडोमोनास। नेक्स्ट टाइप आता है हमारे पास पैरासिटिक बैक्टीरिया। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अपना फूड ऑफन किससे लेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में लेंगे। अब ये भी हमारे पास फर्स्ट है ऑब्लिगेट एंड सेकेंड है फैकल्टेटिव सेप्रोफिटिक। ऑब्लिगेट में तो क्या होगा, हमेशा किसे लेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। एंड फैकल्टेटिव में क्या होगा, अगर लिविंग नहीं मिलेगा तो वो कैसे हो जाएंगे, सेप्रोफिटिक हो जाएंगे, मीन्स डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। तो रेस्पिरेशन के भी टू टाइप्स हैं, फर्स्ट है एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया ऐसे हैं जो O2 की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करेंगे। सो ये भी हमारे पास टू है, फर्स्ट है ऑब्लिगेट एरोबिक, जो कम्प्लीटली कैसे होंगे, एरोबिक होंगे। अगर इनको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में कैसे हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे। एग्जाम्पल है इनका एजिटोबैक्टर। सेकेंड इसी का है फैकल्टेटिव एनएरोबिक, कि अगर इनको ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो भी ये क्या कर जाएंगे, ऑक्सीजन की एब्सेंस भी सर्वाइव कर जाएंगे। तो ये हो गए फैकल्टेटिव एनएरोबिक बैक्टीरिया। अब एनएरोबिक बैक्टीरिया की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन की प्रोसेस को शो करेंगे। ये भी हमारे पास टू है, फर्स्ट है ऑब्लिगेट एनएरोबिक, जो कि हमेशा एनोबिक रेस्पिरेशन करेगा। इसका एग्जांपल है क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म। एंड सेकंड है हमारे पास फैकल्टेटिव एरोबिक, सो इसका एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस। ये मोस्टली तो कैसे होते हैं, एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन अगर इनको ऑक्सीजन की एब्सेंस नहीं मिल पाती तब ये कैसा शो कर देते हैं, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो उस कंडीशन में ये एरोबिक रेस्पिरेशन को शो कर देते हैं। तो ये आज का हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। अगर आपको हमारे नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहाँ से हमारे नोट्स की पीडीएफ है उसे ले सकते हो। सो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम फिर से इसी मोनेरा पे बात करेंगे, मोनेरा किंगडम के बैक्टीरिया में बात करेंगे, जिसमें हम बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को देखेंगे। सो थैंक यू।